हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ब्यूटीफुल ब्रिटिश एक्ट्रेस के बारे में जो इतनी ज़्यादा पैशनेट एंड रोमांटिक थी दैट शी वाज फेमस फॉर हर लव स्टोरीज। हर नेम वाज ऑड्रे हेपबर्न, जिसके मल्टीपल लवर्स थे। शी डिड नॉट बिलीव दैट प्यार सिर्फ एक बार होता है। ऑड्रे एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है जो 1950s-60s के एरा में ना काफ़ी फेमस हुई थी। वो 1929 के साल में बेल्जियम में बॉर्न हुई थी। फिर 1939 में जब वो 10 साल की हुई तब ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ वॉर डिक्लेयर कर दिया था, जिसके बाद ऑड्री की मॉम ने डिसाइड किया दैट वो अपने बच्चों को लेकर नेदरलैंड्स जाएगी, बिकॉज उसे लगा वॉर के दौरान वो जगह सेफ होगा। एंड ऑड्री के डैड ने उनके फैमिली को पहले ही छोड़ दिया था, दूसरे सिटी जाके रहने लगे थे। दो वो उनके साथ टच में रहते, स्टिल ऑड्री को उसके मॉम ने बड़ा किया था। नेदरलैंड्स में जब ऑड्री रह रही थी ना, तब उसने अपना नाम कुछ वक्त के लिए चेंज कर दिया था, क्योंकि तभी इंग्लिश नाम होना ना रिस्की था। वैसे नाम वाले लोगों को जल्दी टारगेट किया जाता, इस वजह से एक लोकल नाम उसने रख लिया था। एंड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला। ये ऐसा पीरियड था जब ऑड्री की फैमिली ने काफी स्ट्रगल किया। कई उसके फैमिली वाले ये जंग के दौरान मारे गए। एंड एक चीज ये केओस के दौरान जो ऑड्री ने नोटिस की वो ये थी कि उसकी जो मॉम थी ना, वो आर्मी ऑफिसर्स से एट टाइम फ्लोट करती सो दैट वो उसकी फैमिली को हार्म ना करे। एंड इट यूज टू वर्क। तो ऑड्री ने बड़े होते वक्त ये सब देख लिया था, दैट वुमेन आर केपेबल ऑफ यूजिंग देयर बॉडी टू कंट्रोल मैन। एंड माइंड यू, अभी ये सब काफी ज्यादा ऑड साउंड कर रहा होगा, बट वो जमाना ना अलग था। 1940s का दौर था, जंग हो रहा था, फैमिलीज पे हमेशा खतरा मंडराता रहता। तो सर्वाइविंग ऑल दिस वॉज नॉट ईजी, सो यू कैन जज एनीवन। डेस्परेट टाइम्स के दौरान कोई भी मॉरली क्या सही है क्या नहीं है ये नहीं देखता। लेटर 1945 में जंग खत्म हुआ। अभी ऑड्री जो है ना, वो 16 ईयर्स की हो गई थी एंड फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो काम करने लग गई थी। फिर 19 ईयर्स की एज में वो फिल्मों में भी काम करने लगी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, तो इस वजह से एक फिल्म डायरेक्टर ने उसे अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। इनिशियली वो छोटे मोटे रोल्स करती, बट द 1953 में रोमन हॉलीडे करके एक फिल्म ऑड्री ने किया, जो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि ऑड्री रातों रात फेमस हो गई। एंड आफ्टर दैट शी वॉज अनस्टॉपेबल, वो एक स्टार बन चुकी थी। ऑल्सो जब ऑड्री रोमन हॉलीडे ये फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तब वो एक ब्रिटिश बिजनेसमैन से मिली जिसका नाम जेम्स हैंसन था। ही वॉज वेरी रिच एंड जेम्स ऑड्री के ब्यूटी को देख के मेसमराइज था। दोनों बाद में डेट भी करने लगी एंड जेम्स वॉज सो डीपली इन लव दैट ही वॉन्टेड टू मैरी ऑड्री। ऑड्री ने भी तभी शादी के लिए हाँ बोल दिया था, बट बाद में स्टिल वो डाउट में थी कि क्या उसे शादी करनी चाहिए कि नहीं। शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, इवन ऑड्री वेडिंग गाउन्स के ट्रायल को भी जाने लगी थी, बट एंड मोमेंट पे शी फेल्ट एज इफ जेम्स वो पर्सन नहीं है जिसे वो इतने पैशनेटली प्यार कर सकती है, इसलिए उसने वेडिंग कैंसिल कर दिया। फिर कुछ वक्त बाद एक पार्टी के दौरान ऑड्री एक एक्टर एंड फिल्म डायरेक्टर से मिली जिसका नाम मेल फेरर था। मेल ऑलरेडी दो बार पहले शादी कर चुका था, दोनों बार डिवोर्स उसने लिया था। वो ऑड्री से 12 साल बड़ा था। जब वो ऑड्री से मिला था तब ऑड्री 24 ईयर्स की थी। शी वॉज यंग एंड अ वेरी फेमस एक्ट्रेस। ये पार्टी के दौरान दोनों पहले बार मिले थे। एक पैशन ऑड्री को मेल के साथ फील हुआ, जिस वजह से पार्टी के बाद वो उसके साथ डेट्स पे भी गई। देखते ही देखते दे वर इन लव। ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री में ये दोनों एक पावर कपल से कम नहीं थे। एंड कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। एंड इस बार ऑड्री ने अपने लवर को बीच रास्ते नहीं छोड़ा, उसने शादी के लिए हाँ बुलान शादी किया भी। सितंबर 1954 को दोनों ने शादी कर ली। एक लेटर में ऑड्री ने शादी के बारे में बात करते हुए कहा कि आई वॉन्ट टू कीप दिस अ डार्क सीक्रेट इन ऑर्डर टू हैव इट विदाउट द प्रेस। ऑड्री के और भी कई लेटर्स मिले थे जिसे पढ़ने के बाद पता चलता है दैट ऑड्री बिलीव्ड इन लव स्टोरीज, शी वॉज अ रोमांटिक पर्सन। शादी के कुछ साल बाद ना ऑड्री ने एक लड़की को जन्म दिया। एंड दो ऑड्री एंड मेल शादीशुदा थे, पर दोनों लॉयल नहीं थे एक दूसरे को लेके। ऑड्री के दूसरे मेल एक्टर्स के साथ अफेयर्स चलते रहते एंड सेम विद मेल, ही वाज आल्सो डेटिंग अदर वुमन। ये एक ओपन मैरिज था। इन अ वे वो एरा के लोगों को ना ये सब चीजें नहीं पसंद थी। ऑड्री एंड मेल को काफी हेट मिलता था तभी। बट सीम्स लाइक ऑड्री नेवर बिलीव्ड इन जस्ट लविंग वन पर्टिकुलर पर्सन। ऑड्री एंड हर लवर्स, ऐसे कई आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर में उस दौर में छापे जाते थे। उसका लव लाइफ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था दैट हर फैंस ऑलवेज वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। एंड मेल से जब ऑड्री की शादी हुई थी ना 1954 में, उसके कुछ ही महीने बाद वो एक फिल्म करने चली गई। इस फिल्म में विलियम होल्डन करके एक एक्टर भी था जो ऑड्री से 11 साल बड़ा था एंड वो शादीशुदा था, वाइफ विद 3 किड्स, बट स्टिल ऑड्री को वो पसंद आया। ऑड्री की तभी जस्ट शादी हुई थी, स्टिल शी वांटेड टू एक्सप्लोर। उसने एक बार विलियम होल्डन के बारे में ये भी बोला था दैट ही वाज द मोस्ट हैंडसम मैन शी हैड एवर मेट। देन ऑड्री एंड विलियम का अफेयर चालू हुआ। ऑड्री वाज अगेन इन लव, शी वाज मैरिड, स्टिल शी वांटेड कि उसका एक बच्चा हो विलियम के साथ। नो डाउट दिस वॉज रॉन्ग, दोनों अपने पार्टनर्स पे चीट कर रहे थे। एंड ऑड्री दूसरों के फीलिंग्स को लेकर इतनी कंसिडरेट नहीं थी। उसने ये केयर नहीं किया कि विलियम की वाइफ को ये अफेयर से कितना हर्ट होगा। दिस वॉज अ सेल्फिश अफेयर। ऑड्री केप्ट ऑन टेलिंग विलियम दैट उसे एक बच्चा चाहिए, बट विलियम इसके लिए मान नहीं रहा था। लेटर विलियम ने सच बता दिया ऑड्री को कि वो फिर से बाप नहीं बन सकता, क्योंकि उसने वैसेक्टमी करा लिया है 3 बच्चे होने के बाद।
ये बात से ऑड्री काफ़ी ज़्यादा हुट हुई। शी वॉन्टेड विलियम बट इस बारे में जानने के बाद उसने विलियम को छोड़ दिया, वो अफेयर ख़त्म कर दिया। शी मूव्ड ऑन। विलियम ने ऑड्री का दिल फिर से जीतने की काफ़ी कोशिश की बट ऑड्री वॉज डन विद हिम एंड शी वॉज डन विद हर हस्बैंड मेल ऑल्सो। उसने मेल को डिवोर्स लेने का फैसला किया। 1968 के अराउंड उसने डिवोर्स दे दिया उसको। अभी ऑड्री जो थी ना वो 39 ईयर्स की थी, वो एक टॉप एक्ट्रेस थी तो करियर वाइज शी वॉज सेटल्ड। देन डिवोर्स के कुछ महीने बाद वो एक क्रूज पे थी जहाँ पे शी मेट समवन। ये आदमी जो था ना उसका नाम एंड्रिया डॉटी था, जो एक इटालियन साइकियाट्रिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट था। अगेन एंड्री को वो पैशन भरा प्यार मिला। 1969 के साल में ना ऑड्री ने एंड्रे से शादी कर लिया। दोनों को एक लड़का भी हुआ एंड ऑड्री का ये दूसरा बच्चा था। ये प्रेगनेंसी के बाद फिर से ऑड्री प्रेग्नेंट हुई बट अनफॉर्चुनेटली शी मिसकैरिड। दूसरा बच्चा होने के बाद ऑड्री ने फैसला किया कि वो एक्टिंग छोड़ देगी। इस शादी में सरप्राइजिंगली ऑड्री काफी लॉयल रही बट इस बार उसका हस्बैंड इतना लॉयल नहीं था। एंड्रे उस पर चीट कर रहा था, उसके अफेयर्स के बारे में आर्टिकल्स छपते रहते। कुछ 12 इयर्स तक ये मैरिज चला जिसके बाद दोनों ने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया। ऑलमोस्ट 10 साल एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद ऑड्री ने फिर से काम करना शुरू किया। ऑड्री अभी 51 इयर्स की हो चुकी थी। वापस फिल्में करते वक्त शी रियलाइज्ड कि उसके पास्ट मैरिजेस हमेशा अनहैप्पी मैरिजेस रहे हैं। फिल्में करते वक्त वो एक आदमी से मिली जिसका नाम रॉबर्ट वॉल्टर्स था। वो भी एक एक्टर था एंड ऑड्री से 7 साल छोटा था। दोनों को एक दूसरे से बेहद मोहब्बत थी। मे बी ऑड्री को अभी वो प्यार मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी। रॉबर्ट एंड ऑड्री ने कभी शादी नहीं किया बट दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ थे। 10 साल तक इनका कुछ रिश्ता रहा। फिर 1992 के साल में ऑड्री को अब्डोमिनल पेन होने लगा। हॉस्पिटल जाने पे पता चला दैट शी इज सिक, वेरी सिक। ऑड्री की सर्जरी भी हुई, उसका ट्रीटमेंट चालू था एंड फिर जनवरी 1993 के साल में ऑड्री अपने नींद में ही पास्ट अवे। ऑड्री के फाइनल ईयर्स में रॉबर्ट ही उसके साथ था एंड रॉबर्ट के लिए ये काफी ज्यादा पेनफुल था कि ऑड्री अभी उसके साथ नहीं है। ऑड्री को एक आइकॉन माना जाता है, उसे कई अवार्ड्स मिले थे। दो ऑड्री की पर्सनल लाइफ कभी परफेक्ट नहीं रही, उसने कई गलतियां की, कई लोगों को हर्ट किया, एट टाइम्स वो भी हर्ट हुई बट शी ऑलवेज बिलीव्ड इन लव और एंड में एक लॉयल रिश्ता उसका बना भी रॉबर्ट के साथ। कई लोगों ने ये भी कहा कि बचपन का जो ट्रॉमा था ना ऑड्री का, उस वजह से वो कभी शादी में बिलीव नहीं कर पाई। उसके डैड ने उसको एंड उसकी मॉम को अबैंडन कर दिया था एंड जंग के दौरान काफी पेन उसने देख लिया था एंड हर मॉम वॉज फोर्स टू डू नॉट सो गुड थिंग्स जस्ट सो दैट दे कैन सर्वाइव एंड ये सब ऑड्री ने देखा था। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो ऑड्री हेपबर्न की ये कहानी के बारे में आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।